मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हर एक घर तुलसी और एक पौधा सहजन एवं भूमि सुपोषण अभियान के तहत एक वेबिनार का आयोजन चंपा देवी पार्क स्थित स्कूल में किया गया, जिसमें देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रकट किए, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम के संयोजक इंजीनियर पी के मल ने बताया कि किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ कुपोषण दूर करने वाले पौधों के प्रयोग पर वेबिनार के माध्यम से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मानना है कि जब भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तभी किसानों की उपज भी बढ़ेंगे और वे खेती से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, जबलपुर विश्वविद्यालय ज्योलॉजी के आपका हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत श्री संजय सिंह जी, नमस्कार। दिनेश कुमार सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कामेश्वर सिंह जी, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कामेश्वर सिंह जी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा आज हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भारतवर्ष के विभिन्न छोरों से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, भूमि जल संरक्षण और भूमि संरक्षण से संबंधित एक्सपर्ट्स, जो अपनी विधाओं के एक्सपर्ट्स हैं, वो जुड़ के अपने सुझाव देंगे भूमि सुपोषण अभियान। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमेशा से किसानों के हित की बात करते हैं और हमारे किसानों की ज़मीन सुरक्षित रहे और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। और माननीय मोहन भागवत जी ने भी चैत्र प्रतिपदा के दिन एक भूमि सुपोषण अभियान की शुरुआत की है। तो हिंदू वाहिनी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर हम लोग भूमि सुपोषण अभियान को कैसे आगे बढ़ाएँ, भूमि का उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं, इससे एक्सपर्ट की राय आज जानेंगे वेबिनार के माध्यम से।